सो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड यार, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं, गिनती के दिन बचे हैं बिफोर द 8 ईयर एनिवर्सरी ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट एंड वी गेट आर टियर 3 सिलेक्टर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टियर 3 सिलेक्टर के बारे में, एंड मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको टियर 3 सिलेक्टर से कौन से कैरेक्टर को पिक करना चाहिए और क्यों पिक करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। And I simply don't want you guys to make any mistake by picking the wrong character. So हम बात करेंगे अलग अलग tiers में, यानी कि सबसे पहले जिन characters को upgrade चाहिए, कौन से character tier 4 पर है, कौन सा paywall uniform है, कौन सा limited time uniform है, कौन से lead and support है, तो इन सभी के बारे में अलग अलग category में divide करके हम बात करेंगे। So before we get into the tier list, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि these tier list are just my own thoughts and opinion. अगर आपका ओपिनियन डिफर करता है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि सभी कैरेक्टर्स जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आर विद देयर लेटेस्ट यूनिफॉर्म, एंड लेटेस्ट यूनिफॉर्म के साथ ही उनको मैंने रैंक किया है। सो उसी बेसिस पे आपको भी डिसाइड करना है कि आप ये कैरेक्टर्स को लेना चाहोगे कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली पुराने यूनिफॉर्म्स के साथ ये कैरेक्टर्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने नए यूनिफॉर्म्स के साथ है। लेटेस्ट यूनिफॉर्म आर द स्ट्रांगेस्ट वन दैट दे हैव, एंड वो ही सबसे ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे कंपेयर टू अदर यूनिफॉर्म्स दैट दे हैव। सो या विद दैट, चलिए चलते हमारे सबसे पहले टीयर में। सो सबसे पहले कैटेगरी में आता है अप टू टीयर 4, जिसमें हमें फॉलोइंग कैरेक्टर मिलते हैं: आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन, हल्क, शेरन रॉजर्स, एंटमैन, वेनम, ब्लैक बोल्ट एंड कैप्टन अमेरिका। इसमें स्टॉर्म भी इंक्लूडेड है, बट स्टॉर्म को मैंने अलग से रखा है आफ्टर दिस वन, सो यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ब्लैक बोल्ट, जिसका यूनिफॉर्म जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, अगर आपके पास ये वाला यूनिफॉर्म है देन एंड देन ओनली आई विल रेकमेंड यू टू पिक ब्लैक बोल्ट एज अ टीयर 3 सिलेक्टर, वरना ब्लैक बोल्ट काफ़ी वीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप अगर दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास रैदर देन ब्लैक बोल्ट, जिसको आपको टीयर 3 करना है, तो आप उसे पिक करना रैदर देन पिकिंग ब्लैक बोल्ट, अनलेस यू हैव दिस यूनिफॉर्म। अगर ये वाला यूनिफॉर्म है आपके पास ब्लैक बोल्ट का, देन ब्लैक बोल्ट इज़ अ मस्ट। उसके अलावा आयरन मैन थॉर भी काफ़ी स्ट्रांग है, शेरन रॉजर्स इज अ लेटेस्ट टीयर 4, तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी अगर आप ये यूनिफॉर्म परचेस करो। अगर यूनिफॉर्म ये परचेज नहीं भी कर रहे हो, इफ़ यू हैव एनी ओल्डर यूनिफॉर्म, उसके साथ भी शेरन रॉजर्स इज रियली गुड और टीयर 4 पे जा सकती है। सो डेफिनेटली प्रायोरिटी बनता है उन कैरेक्टर्स को पिक करना जिनके पास अपना टीयर 4 है। स्पाइडरमैन, हल्क, ब्लैक विडो, एंटमैन और वेनम एंड कैप्टन अमेरिका आर डिसेंट बट नॉट द बेस्ट। इनके लिए बेटर रिप्लेसमेंट है लाइक कॉम्बैट कैटेगरी में, कॉम्बैट सुपर विलन में, सो दैट इज द रीजन वाई आई विल से यू कैन चूज देम अगर आपके पास नहीं है तो, बट अगर है तो ऑब्वियसली दैट्स अ स्किप। सो चलते इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज गोइंग टू बी पेवॉल। सो पेवॉल कैटेगरी पे आती है स्टॉर्म, जिसके पास अपना TFO है एंड शी इज रियली वेरी वेरी स्ट्रांग, बट फॉर द ओनली रीजन कि इसका यूनिफॉर्म पेवॉल है एंड लिमिटेड टाइम यूनिफॉर्म है, जो कि आप अभी परचेज नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू कैन स्पेंड द मनी, आप अभी स्टॉर्म का यूनिफॉर्म नहीं परचेज कर सकते हो इन द गेम, वो खाली सीजनल इवेंट्स पर आता है जो कि उसका स्पेसिफिक सीजन पे है। सो आई बिलीव 5 to 6 या मे बी 7-8 मंथ्स बाद स्टॉर्म का यूनिफॉर्म वापस देखने को मिलेगा गेम में अलॉन्ग विथ मैग्नीटो। सो अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म नहीं है देन स्टॉर्म इज नॉट दैट गुड, वो सपोर्ट में अच्छी है। सो इफ यू वॉन्ट अ सपोर्ट जो कि एलिमेंट टाइप डैमेज को इंक्रीज करेगी, देन यू कैन गो फॉर स्टॉर्म, अदरवाइज स्टॉर्म इज ऑल्सो अ स्किप बट अ डिसेंट पिक नॉनदलेस। अगर आपके पास बाकी कैरेक्टर्स है टीयर 3 पे और स्टॉर्म नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली पिक हर, शी इज अ म्यूटेंट कैरेक्टर, तो काफ़ी म्यूटेंट कैरेक्टर्स को अच्छा सपोर्ट देगी, म्यूटेंट भी नहीं एलिमेंट टाइप कैरेक्टर्स को अच्छा सपोर्ट देगी, सो यू कैन गो फॉर स्टॉर्म विदाउट एनी डाउट देयर। सो विद दैट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, न्यू बी फ्रेंडली और बिगिनर फ्रेंडली। तो बिगिनर फ्रेंडली में ये 5 कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे पिक्स होने वाले हैं, जो कि है थॉर, स्पाइडरमैन, शेरन रॉजर्स, आयरन मैन या फिर वेनम। तो यहाँ पे मैंने केटर करते हुए सारे एलिमेंट टाइप्स को एक एक पिक किया है जो कि बेस्ट रहेंगे आपके अकाउंट के लिए। तो थॉर इज अ यूनिवर्सल टाइप, स्पाइडरमैन इज अ स्पीड टाइप, आयरन मैन और शेरन रॉजर्स आर ब्लास्ट एंड वेनम इज अ कॉम्बैट टाइप। सो ये 5 कैरेक्टर्स काफ़ी तगड़े पिक्स है फॉर द बिगिनर प्लेयर्स जिनके पास कोई टीयर 3 नहीं या फिर बहुत ही कम टीयर 3 है या इन 5 में से टीयर 3 नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले टीयर 3s या फिर अपने फर्स्ट फ्यू टीयर 3s इन्हीं 5 कैरेक्टर्स को करो और इनमें से ही कोई एक को पिक करो। सो दिस इज व्हाई दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली कैटेगरी। इफ यू टॉक अबाउट थॉर, थॉर बहुत ही स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा AoE डैमेज है, तो आप स्टोरी डिस्पैच मिशन को ऑटो फार्म कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। स्पाइडरमैन की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली या फिर वेरी लेस कॉस्टिंग PvP मेटा कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट सारे PvP मेटास को पीछे छोड़ देता है, हरा देता है। शेरन रॉजर्स इज अ गुड DPS फॉर PvE कंटेंट लाइक वर्ल्ड बॉस और GBR,
और आयरन मैन इज ऑल्सो रियली गुड पीवीई कंटेंट फॉर वर्ल्ड बॉस एंड जीबीआर एंड एक्सेट्रा, और वेनम भी काफ़ी अच्छा कॉम्बैट टाइप में आता है जो कि कभी कभी आपको एबीएक्स वगैरह में भी हेल्प करेगा। कैप्टन अमेरिका इज ऑल्सो नोटेबल ऑप्शन जो कि यहाँ टीयर 3 सिलेक्टर में अवेलेबल है, बट आई बिलीव कैप्टन अमेरिका बहुत लोग अपने टीयर 3 गैजेट क्वेस्ट वगैरह से पिक कर लेंगे, दैट इज द रीजन वाई वेनम इज हियर रादर देन कैप्टन अमेरिका। सो या दिस इज द बिगिनर फ्रेंडली टीयर लिस्ट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी लीड एंड सपोर्ट। सब टीयर 3 सिलेक्टर में जो कैरेक्टर्स है उनमें से ये चार कैरेक्टर्स काफी तगड़ा लीड या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साइक्लॉप्स एक बहुत तगड़ा लीड है इवन विथ हिज ओल्ड यूनिफॉर्म्स, हेला भी बहुत अच्छी लीड है विथ हर ओल्ड यूनिफॉर्म, और विलन कैटेगरी को एक अच्छा सपोर्ट बफ भी देती है इफ यू हैव एनी ऑफ हर यूनिफॉर्म, थॉर रैग्नारोक या फिर ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्टॉर्म बिना यूनिफॉर्म के मतलब पुराने यूनिफॉर्म्स के साथ भी एक अच्छी सपोर्ट है, विदाउट यूनिफॉर्म शी इज नॉट अ गुड सपोर्ट। टास्क मास्टर को भी यूनिफॉर्म चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो साइक्लॉप्स का लीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है विथ हिज यूनिफॉर्म जो कि होने वाला है फीनिक्स वाला यूनिफॉर्म के बाद या फिर फीनिक्स यूनिफॉर्म से लेकर। हेला का कोई भी यूनिफॉर्म आप दो या फिर यूनिफॉर्म मत भी दो, सो शी इज अ गुड लीड रिगार्डलेस। स्टॉर्म को अपना एक यूनिफॉर्म चाहिए एटलीस्ट कोई भी पुराने वाले में से टू गेट अ सपोर्ट बफ, चेंज हो जाता है उसका पैसिव। अदरवाइज अगर आपके पास ये पेवल यूनिफॉर्म है सो शी इज अ गुड डीपीएस एंड सपोर्ट एज वेल। टास्क मास्टर बिना यूनिफॉर्म के ओनली वेपन मास्टर एलाइज को क्रिट डैमेज वगैरह इंक्रीज करता है, नॉट दी अटैक या फिर डैमेज अगेंस्ट सुपर विलन, लेकिन इस यूनिफॉर्म के साथ वो सभी एलाइज को सपोर्ट बफ देता है। सो अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म है या फिर अगर आप एनिवर्सरी पे लेने वाले हो सो टास्क मास्टर इज गोइंग टू बी अ रियली गुड टीयर 3 सिलेक्टर चॉइस। सो या लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, फ्यूचर अपडेट्स गारंटीड कैटेगरी। ओके सो नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर अपडेट्स गारंटीड कैटेगरी में। तो ये उन कैरेक्टर्स के बारे में है जिनको अपडेट मिलने वाला है थ्रू दी एमसीयू, यानी कि ऑब्वियसली गेम में या तो वेब सीरीज हो या फिर मूवी हो तो उनके रिगार्डिंग अपडेट्स आते हैं, लाइक हॉकाई केट बिशप का आया, लोकी का आया, फिर कैप्टन मार्वल को मूवीज से भी मिला है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को मूवीज से मिला है, आयरन मैन, थॉर एक्सेट्रा जो कि एमसीयू में थे। सो उन्हीं के रिगार्डिंग फ्यूचर में जो मूवी और वेब सीरीज आने वाली है लोकी सीजन 2 एंड मिस मार्वल मूवी जो कि कैप्टन मार्वल का होने वाला है, तो उनके थ्रू इन दोनों को यूनिफॉर्म और टीएफओ मिलने वाला है। तो अगर आप अपने अकाउंट को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो और अगर आपके पास बाकी कैरेक्टर्स जिनके बारे में मैंने बात की अगर वो पहले से टीयर 3 पर है, देन यू कैन कंसिडर प्री एम्प्टिवली अपग्रेडिंग दीज कैरेक्टर्स थ्रू द टीयर 3 सिलेक्टर, यानी कि टीयर 3 सिलेक्टर से आप पहले ही इनको अपग्रेड करके रेडी रखो ताकि जब इनका अपडेट आए तब आप तुरंत से इनके यूनिफॉर्म परचेस करो एंड यू आर गुड टू गो एंड टू यूज़ देम। सो ये एक ऑप्शन रहेगा काफ़ी अच्छा। तो कैप्टन मार्वल और लोकी का आप यूनिफॉर्म टीयर 3 लेने का सोच सकते हो एंड यू कैन डू इफ़ यू लाइक इट। सो विद दैट हम आते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी में जो कि होने वाला है नीड्स अपडेट। तो ये उन कैरेक्टर्स पर है जो कि आउटडेटेड है अभी एंड इनको इनका टीयर 4 या फिर यूनिफॉर्म चाहिए, या फिर ये ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको आप परचेस करो तो काफ़ी सोच समझ कर करना। फैल्कन आउटडेट हो चुका है, ही कैन डू वर्ल्ड बॉस लेजेंड नल एंड मेफिस्टो वेरी गुड और काफ़ी हाई स्टेजेस कर सकता है, बट जहाँ पे गौर और जीन की बात आती है या फिर अल्ट्रॉन की बात आती है ये पीछे हो जाते हैं। विजन नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ईदर, घोस्ट राइडर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जब ये इस यूनिफॉर्म के साथ आया था बट फिर आउट ऑफ मेटा चले गया। शैंग ची विथ हिज मूवी कुडेंट डू दैट मच। वॉर मशीन की बात करें तो ये अच्छा लीड या फिर सपोर्ट देता है टू आयरन मैन एंड अदर वेपन टाइप कैरेक्टर्स, बट स्टिल ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग यार टू बी ऑनेस्ट एंड आई डोंट थिंक ही इज़ वर्थ अ टीयर 3 सिलेक्टर। विंटर सोल्जर सिर्फ 30% फिजिकल अटैक लीड का काम कर रहा है, खुद के डैमेज पे तो बेकार है। डेयरडेविल ऑल्सो नॉट दैट गुड। ब्लैक पैंथर को तो बिल्कुल ही शाफ्ट मिला, सो जस्टिस फॉर ब्लैक पैंथर। एंड रोग की अगर हम बात करें तो यार स्पीड सुपर हीरो कैटेगरी जिस दिन होता है उस दिन रोग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर ABL, बट रिगार्डलेस आई बिलीव इट्स आउटडेटेड। सो ये वो कैरेक्टर्स है जो कि आउटडेट हो चुके हैं। अगर बाकी कैरेक्टर्स आपके पास है तो आप इनमें से किसी एक को पिक करने की सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए या इफ़ यू वॉन्ट रन फॉर योर मनी देन दीज कैरेक्टर्स आर नॉट वर्थ इट। सो बाकी कैरेक्टर्स जिनके बारे में मैंने बात किया अगर आपका वो कोई भी रिक्वायरमेंट को फिट करता है तो उनको आप पिक कर लेना, इनको सोच समझ कर करना। सो विद दैट इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर अगर आपके ओपिनियंस कुछ डिफर करते हैं सो यू कैन लेट मी नो कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय।